हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आप ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानोगे तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को ह्यूमन बॉडी का ढांचा बोन्स का बना होता है सभी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है बोन्स के ऊपर मसल्स होती है जिनकी सहायता से बोन्स को ज्वाइंट्स के पास हिलाया डुलाया जाता है बोन्स एंड मसल्स शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी में 206 टाइप्स की बोन्स पाई जाती है ह्यूमन बॉडी का ढांचा बनाने वाले ऑर्गन्स को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम शरीर को एक निश्चित से प्रोवाइड करता है इससे शरीर को सपोर्ट मिलता है स्केलेटन से शरीर के सभी सॉफ्ट ऑर्गन की रक्षा होती है यह शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन को बाहरी इंजरी से बचाता है स्केलेटन सिस्टम का बहुत सा भाग लीवर की तरह फंक्शन करता है जिसके कारण एनिमल्स को लोकोमोशन में इजीनेस होती है बोन्स की मैरो कैविटी फैट स्टोर करने का कार्य करती है इसके साथ बोन्स आरबीसी का भी फॉर्मेशन करता है साथ साथ बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर रहता है जो नीड पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है स्केलेटल सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं पहला एक्सोस्केलेटन और दूसरा एंडोस्केलेटन शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने, जाने वाले स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहा जाता है एक्सोस्केलेटन की ओरिजिन एक्टोडर्म या फिर मेसोडर्म से होती है एक्सोस्केलेटन शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करता है वही एंडोस्केलेटन शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को कहते हैं और इसकी ओरिजिन एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से होती है बोन्स एक तरह का एंडोस्केलेटल सिस्टम है बोन्स एक फाइबर और मैट्रिक्स से बना सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है इसका मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिलते हैं बोन्स के चारों तरफ डबल लेयर वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं इसी पेरियोस्टियम के द्वारा लिगामेंट्स टेंडेंस तथा दूसरी मसल्स जुड़ी होती है बोन्स की सेल्स को ऑस्ट्रियो या फिर ऑस्ट्रियोसाइट्स कहते हैं मोटी और लंबी बोन्स में हॉलो गड्ढे जैसी जगह होती है जिसे मैरो कैविटी कहते हैं इस कैविटी में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहते हैं बोन मैरो मिडल में येलो तथा बोन्स के सिरों पर रेड होती है इन्हें येलो बोन मैरो तथा रेड बोन मैरो कहते हैं रेड बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है जबकि येलो बोन मैरो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है आइए हम ह्यूमन एंडोस्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस में कुल 206 बोन्स होती है। ह्यूमंस के बोन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन से बना होता है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, फेस, वर्टीब्रल कॉलम तथा रिब्स की बोन आती है। वहीं एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती है जिसमें ग्रिडल्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बोन शामिल है स्कल ह्यूमन की स्कल्स में कुल 22 बोन होती है इनमें से आठ बोन्स यूनाइटेड फॉर्म में ह्यूमन्स के ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है इन बोन से बनी स्ट्रक्चर को क्रेनियम कहते हैं और ये सभी स्यूच्स के द्वारा जुड़ी रहती है स्कल्स के बोन में दो पेरिएटल बोन दो टेम्पोरल बोन एक फ्रंटल बोन एक ऑसिपिटल बोन एक स्फिनॉयड बोन और एक इथीमॉइड बोन शामिल है इन एट बोन्स के अलावा फोर्टीन बोन्स और होती है जो फेस को बनाती है ह्यूमंस की स्कल में फोराम मैग्नम नीचे की ओर होता है फेशियल बोन्स अपर जॉ और लोअर जॉ से कंसिस्ट होता है अपर जॉ में थर्टीन और लोअर जॉ में एक बोन्स होती है अपर जॉ में मिलने वाले बोन्स में दो मैग्जिला दो पैलाटाइन दो जाइोमेटिक दो नसल बोन दो इन्फीरियर नसल कॉन्का दो लैक्रिमल बोन और एक अनपेयर्ड वोमर बोन शामिल है ह्यूमन का लोअर जॉ एक मैंडिबल से बना होता है इसके अलावा दोनों ईयर्स में कुल मिलाकर छह सबसे छोटी बोन होती है जिसे इनकस मेलियस और स्टेपस कहा जाता है इन सभी बोन्स के अलावा एक यू सेप्ड बोन मैंडिबल और लेरिंग्स के बीच में होती है जिसे हाईड बोन्स कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमंस का वर्टिब्रल कॉलम 33 थ्री से मिलकर के बना होता है नॉर्मल एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है सभी वर्टिब्रल कॉलम इंटर डिस्क से जुड़े रहते हैं इन डिस्क से वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल रहता है तथा ये बाहरी शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम का पहला वर्टिब्रा एटलस वर्टिब्रा कहलाता है जिसमें स्कल अटैच रहता है और दूसरे वर्टिब्रा को एक्सिस कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम सेवन सर्विकल ट्वेल्व थोरासिक फाइव लंबर वन सैक्रल और वन कॉक्सीजेल से कंसिस्ट होता है सैक्रल वर्टिब्रा एक्चुअली फाइव डिफरेंट वर्टिब्रा की फ्यूजन से बना होता है जो कि अर्ली लाइफ में सेपरेटेड होता है बाद में यह बोन्स फ्यूज होकर एक सैक्रम वर्टिब्रा बनाता है सिमिलरली कॉकिक्स वर्टिब्रा भी तीन से पांच वर्टिब्रा का फ्यूजन होता है स्टेरनम स्टर्नम एक फ्लैट बोन्स है जो रिब्स को आपस में जोड़ती है या चेस्ट वॉल के बीचों बीच स्थित होती है स्टेनम के ब्रॉडर अपर पार्ट को मेनुब्रियम मिडिल पार्ट को बॉडी और लोअर नैरोअर पार्ट को सिफॉइड प्रोसेस कहते हैं रिब में 12 पेयर रेब्स पाई जाती है इन ट्वेल्व रिब्स में पहला सेवन पेयर्स ट्रू रिप्स कहलाता है क्योंकि यह सेवन रिब्स टेनम से जुड़ा होता है बाकी के पांच पेयर रिप्स को फॉल्स रिप्स कहते हैं जिसमें लास्ट के दो पेयर्स को फ्लोटिंग रिप्स कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल ग्रिडिल फोर लिम्स पेल्विक ग्रिडल और हाइंड लिम्स के बोन्स को मिलाकर एपेंडिकुलर पार्ट बनता है एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती है जिसमें चार बोन्स पेक्टोरल ग्रिडल से 60 बोन्स अपर लिम्स और फोर लिम्स से 60 बोन लोअर लिम्स और हाइंड लिम्स से और दो बोन पेल्विक ग्रिडल से कंसिस्ट होता है बोन्स ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल पेक्टोरल ग्रिडल एक पेयर क्लेविकल्स और एक पेयर स्कैपुला से कंसिस्ट होता है क्लेविकल्स को कॉलर बोन्स भी कहा जाता है यह बोन्स हल्का कर्व होता है वहीं स्कैपुला एक लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर ट्राइंगुलर सेप्ड बोन है जिसे शोल्डर बोन्स भी कहा जाता है इसके लेटरल साइड में एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस बोन्स का हेड जुड़ा रहता है बोन्स ऑफ अपर लिम्स और हैंड प्रत्येक अपर लिम्स थर्टी बोन से कंसिस्ट रहता है अपर लिम्स के बोन्स में ये बोन्स शामिल है ह्यूमरस ह्यूमरस फोर लिम्स की सबसे बड़ी और लंबी बोन्स होती है रेडियस एंड अल्ना ये दो बोन्स फोर आर्म की वो बोन्स है जो स्लाइटली कर्व होती है और एल्बो से रिस्ट तक एक्सटेंड होती है कार्पल बोन ये रिस्ट की शॉर्ट बोन होती है जो नंबर में आठ होती है मेटा कार्पल्स बोन इसे पाम की बोन भी कहते हैं और ये पांच होते हैं फेलेंगस इसे फिंगर बोन कहा जाता है हमारे फिंगर में चौदह फेलेंगस बोन्स होती है जिसमें दो बोन्स में और तीन तीन बोन प्रत्येक फिंगर में होती बोन्स ऑफ पेल्विक ग्रिडल ह्यूमंस की पेल्विक ग्रिडल तीन प्रकार की बोन से मिलकर बनी होती है ये तीनों बोन्स इलियम एस्टियम और प्यूबिस है एडल्ट में ये तीनों बोन्स आपस में जुड़ी रहती है इलियम एसटीएम तथा प्यूबिस के जॉइंट्स पर एक होल होता है जिसे एसिटिबुलम कहते हैं एसिटिबुलम में फीमर बोन का सिर जुड़ा रहता है बोन्स ऑफ लेग्स और लोअर लिम्स अपर लिम्स की तरह इच लोअर लिम्स भी 30 बोन से बना होता है लेग बोन्स में ये बोन शामिल है फीमर फीमर को थाई बोन कहते हैं फीमर बॉडी का लॉन्गेस्ट और स्ट्रांगेस्ट बोन है पटेला यह एक स्मॉल डिस्क लाइक बोन है जो नी ज्वाइंट के सामने होता है इसीलिए इसे नी कैप बोन के नाम से भी जाना जाता है टीबिया एंड फिबुला टीबिया एंड फिबुला ये दोनों बोन्स लेग्स की बोन्स हैं इन दोनों में टीबिया स्ट्रॉगर एंड वाइडर होता है जबकि फिबुला सिलेंडर होता है टार्सल्स बोन ये एंकल्स की शॉर्ट बोन्स हैं हमारे लेग्स में सेवन टार्सल्स बोन होता है जिसमें कैल्केनियस सबसे बड़ा होता है जिसे हिल बोन भी कहा जाता है मेटाटार्सल्स बोन bone. ये बोन्स फुट की इंटीरियर पार्ट की बोन्स है हमारे फुट में फाइव मेटाटार्सल्स बोन होता है फैलेंगस हैंड की फैलेंगस की तरह फुट की फिंगर बोन्स भी फोर्टीन होती है होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय